Hello everyone, welcome to my channel Easy with Me. So, we were doing English in News by Raymond Murphy. We are done till unit number 24th. आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर ट्वेंटी फोरथ की एक्सरसाइजेस करेंगे राइट हमने पढ़ लिया है पहले ही पढ़ लिया है कि कैसे यूनिट नंबर ट्वेंटी फोर में जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं जैसे विल बी डूइंग एंड विल हैव हाँ डन विल बी डूइंग का क्या मतलब है रिकॉल करो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे ठीक है जैसे बोलोगे ना कि इतने बजे में न ये कर रहा होंगे तो ये विल बी डूइंग है अगर विल हैव डन है तो आप बोलेंगे यार इतने बजे तक तो मैंने ये कर लिया होगा काम ठीक है ना मैंने ये कर लिया होगा मैं तो जा चुका होगा, तो ये चीज़ जो है विल हैव डन है तो ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया आज स्टार्ट करेंगे अनसोल्ड एक्सरसाइजेस इससे पहले अगर आपने वो नहीं देखे रूल्स तो आपकी यहाँ पर मिस्टेक तो होंगी ठीक है पहले वो पढ़ो फिर ये करो क्योंकि उसी की एप्लीकेशन है ये क्योंकि ये आपकी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है वो बेसिकली आपने मेन रूल समझने हैं वो हमने कर लिया उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यू कैन चेक आउट टू माई प्ले लिस्ट वेर यू विल फाइंड द वीडियोज़ विद देयर आंसर राइट तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट देखो ट्वेंटी फोर पॉइंट वन रीड अबाउट एन Then tick the sentences which are true. In each ग्रिप of sentences, at least one is true. अच्छा देखो ये ना एंडी है The guy you are seeing here is Andy. ठीक है तो इसके बारे में पढ़ना है इसके बारे में कहाँ से पढ़ना है ये ये जो पैराग्राफ दिया गया ना यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई और इसी डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है ये क्वेश्चंस राइट right. तो आपने क्या करने है ये चार चार ऑप्शन दिए ये को फर्स्ट है ना इसमें आपको चार ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जैसे ए बी सी एंड डी इनमें से एट लीस्ट एक तो करेक्ट है ही है कई बार हो सकता है कि दो ऑप्शंस भी करेक्ट हो राइट right? तो उसी अकॉर्डिंग आपने करने हैं जो पिछले हमने पढ़े रूल्स पढ़े हैं वही यहाँ पर अप्लाई होंगे राइट right? तो स्टार्ट करो फर्स्ट रीड करो पहले ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे फिर ये करेंगे डिस्क्रिप्शन में क्या है एंड ही गोज टू वर्क एवरी डे क्या करता है रोज़ अपने वर्क पर जाता है काम करता है ही लीव्स होम एट एट ओ क्लॉक एंड अराइव एट वर्क एट अबाउट एट फोर्टी फाइव देखो यहाँ पर कितने काम पे तो जाता है और घर से कितने बजे निकलता है आठ बजे एट ओ क्लॉक और पहुँचता कितने बजे अराइव मतलब पहुँचना कितने बजे पहुँचता है एट फोर्टी फाइव को यानी कि ही स्टार्ट वर्क इमीजिएटली एंड कंटिन्यूज अंटिल ट्वेल्व थर्टी वन ही हैज लंच मतलब देखो मैं चाहती हूँ कि हम ना इसको एक एक लाइन करके करें और फिर उसके साथ साथ इसे सॉल्व करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए जैसे देखो इतना मैंने आपको पढ़ा दिया कि आठ बजे काम पर निकलता है और एट फोर्टी फाइव को पहुँचता है ठीक है इससे रिलेटेड ये फर्स्ट और सेकेंड वाला होगा आपका देखो फर्स्ट है ऐट सेवन फोर्टी फाइव अगर वो आठ बजे घर से निकलता है तो सेवन फोर्टी फाइव पर वो क्या कर रहा होगा ख़ुद सोचो आप ही विल बी लीविंग द हाउस नो क्योंकि लीव तो करता है वो आठ बजे तो ये तो गलत हो गया नेक्स्ट ही विल हैव लेफ्ट द हाउस उसने घर छोड़ दिया होगा मतलब घर से निकल चुका होगा ऑलरेडी तो ये भी नहीं है क्योंकि निकला तो नहीं है वो आठ बज जाएगा ही विल बी एट होम तो ये करेक्ट है तो वो घर पे ही होगा ऑफकोर्स सेवन फोर्टी फाइव है और ये पहले ही सॉल्व है मैं आपको बता दूँ ये जो टिक है ये ऑलरेडी पहले से आपको एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व मिली है तो ये ठीक है नेक्स्ट ही विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट मतलब वो ब्रेकफास्ट कर रहा होगा तो ऑब्वियस है कि आठ बजे जाता है तो सेवन फोर्टी फाइव को ब्रेकफास्ट वो कर सकता है ठीक है तो ये भी करेक्ट है यहाँ पर दो करेक्ट हो गए ऑलराइट तो नेक्स्ट सेकेंड क्या है एट एट फिफ्टीन अच्छा आठ बजे वो जाता है लीव्स होम एट 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 ओ क्लाक एंड अराइव एट एट फोर्टी फ़ाइव तो मतलब आठ और एट फोटी फ़ाइव के बीच का जो टाइम है पर, of course, वो वहाँ पर ऑफकोर्स वो घर से जा रहा होगा तो so, क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे ही विल बी लीविंग द हाउस वो घर से जा रहा होगा नहीं तो घर से तो जा चुका है वो आठ बजे से जा चुका है ही विल हैव लेफ्ट द हाउस जैसे मैंने अभी वही चीज़ आपको बताई ना वो घर से जा चुका है तो यही आएगा ही विल हैव लेफ्ट द हाउस एट फोर्टी फाइव का वो टाइम है जब वो जा चुका होगा ठीक है ही विल हैव अराइव्ड द अराइव एटवर्क अराइव एटवर्क भी नहीं है क्योंकि एट फोर्टी फाइव को पहुँचेगा ही विल भी अराइविंग एटवर्क काम पर पहुँच रहा होगा तो ये भी नहीं है कि घर से उसका टाइम है ठीक है तो नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं थर्ड क्या है एट नाइन फिफ्टीन नाइन फिफ्टीन पर क्या कर रहा है देखो एट से एट फोर्टी फाइव तक वो उस ट्रैवल ही करता है ठीक है तो उसके बाद एक लाइन आपको मैं पढ़ा दूँ यहाँ पर मेंशन है एट फोर्टी फाइव तक पहुँच जाता है ये तो कर दिया नेक्स्ट लाइन है ही स्टार्ट्स वर्क इमीडिएटली ठीक है वो उसी टाइम अपना काम स्टार्ट कर देता है ही स्टार्ट वर्क इमीडिएटली तो इसका क्या मतलब हुआ कि ही विल be वर्किंग नाइन फोट फिफ्टीन को क्या कर रहा होगा वो पढ़ रहा हो अपना काम कर रहा होगा तो करेक्ट ही है कर रहा होगा ही विल स्टार्ट वर्क वो काम स्टार्ट कर देगा कर देगा तो नहीं है वो तो नहीं आएगा ठीक है ही विल हैव स्टार्टेड वर्क उसने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया होगा तो ये भी ठीक है स्टार्ट भी कर दिया होगा और कर भी रहा होगा ये दोनों चीज़ ठीक है ना क्योंकि जाते ही उसने स्टार्ट कर देना है और उसके बाद वो कर कर जाएगा देन ही विल बी अराइविंग एटवर्क अराइव वाला तो पॉइंट कलर क्योंकि वो एट फोर्टी फाइव तक तो ही पहुँच जाता है तो ये इसका ए और सी है क्योंकि मैंने आपको बोला कई बार एक एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी कई बार मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं तो यहाँ पर दो करेक्ट है तो इसी अकॉर्डिंग कर दिया नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में क्या है उसके लिए ये लाइन पढ़ो आ, जो ही स्टार्ट्स वर्क इमिडिएटली वो कर लिया एंड कंटीन्यूज अन्टिल ट्वेल्व थर्टी वेन ही हैज़ लंच विच टेक अबाउट हाफ एन आवर तो कब तक काम करता है कॉन्टीन्यू टिल ट्वेल्व थर्टी ट्वेल्व थर्टी तक करता रहता है उसके बाद वो लंच करता है लंच करने में मुझे कितना टाइम लगता है हाफ एन आवर यानी कि ट्वेल्व थर्टी से लेकर हाफ़ एन आवर कितना बना वन ओ क्लाक तो वन ओ क्लाक का मतलब ट्वेल्व थर्टी तो वन ओ वो लंच करता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ही विल हैव लंच वो लंच करेगा ये आएगा नहीं ये नहीं आएगा ही विल बी हैविंग लंच वो लंच कर रहा होगा तो ये आएगा नेक्स्ट ही विल हैव फिनिश्ड हिज लंच नो फिनिश तो वो ना हाफ एन आवर तक लेता है अभी तो नहीं हुआ ही विल हैव स्टार्टेड हिज लंच उसने अपना लंच खाना स्टार्ट कर दिया होगा तो ये भी ठीक है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया होगा तो यहाँ पर भी दो ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट देखो ही स्टार्ट्स वर्क अगेन एट वन फिफ्टीन एंड गोज़ होम एट एग्जैक्टली फोर फोर्टी मतलब वो कितने बजे काम फिर वो अगेन काम स्टार्ट करता है वन फिफ्टीन से और फोर फोर्टी तक लगातार करता रहता है तो मतलब फोर ओ क्लॉक के बीच का टाइम है फोर ओ क्लॉक के टाइम में क्या हो रहा होगा ही विल हैव फिनिश्ड वर्क नो, फिनिश तो करता है फोर फोर्टी पे तो ये नहीं आएगा ही विल फिनिश वर्क ये भी नहीं आएगा क्योंकि फिनिश नहीं करेगा ही विल बी वर्किंग वो काम कर ही रहा होगा ये करेक्ट है ठीक है देन ही वॉन्ट फिनिश्ड वर्क उसने अभी तक अपना काम फिनिश नहीं किया होगा तो ये भी करेक्ट है क्या फिनिश तो नहीं किया ये हो गया तो यहाँ पर दो सी और डी करेक्ट है नेक्स्ट देखो उसके लिए नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे एवरी डे ही फॉलोज द सेम रूटीन एंड टमोरो विल बी नो एक्सेप्शन इसका क्या मतलब है कि हर दिन वो सेम रूटीन फॉलो करता है और कभी भी कोई एक्सेप्शन टमोरो विल बी नो एक्सेप्शन का क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये नहीं है कि कल कोई चेंज आ जाएगा कोई भी चेंज नहीं है जो रूटीन आज फॉलो कर रहा है कल भी सेम ही फॉलो करेगा कोई भी चेंज नहीं आएगा विदाउट एनी चेंज 4:45 देखो 4:45 को क्या होगा मतलब 4:40 फोर्टी होम एट एग्जैक्टली फोर ठीक है 4:40 फोर्टी पर चले जाता है तो 4:40 के टाइम पर वो क्या कर रहा होगा ही विल वर्क वो काम को छोड़ मतलब छोड़ देगा छोड़ देगा नहीं छोड़ चुका है ऑलरेडी तो ये नहीं आएगा ही ये भी नहीं है ही होगा तो जैसे मैंने आपको बोल के बताया वही करेक्ट है तो तो नहीं तो नहीं होगा क्योंकि घर पहुंचने में उससे टाइम लगता है तो ये हो गया ये ऐसे पिक्चर से भी देखो क्लियर है कि वो जा रहा है सो ही विल हैव लेफ्ट वर्क ठीक है काम तो उसने छोड़ दिया है तो ही विल वर्क आई होप कि आपको ये क्लियर है एक्सप्लेनेशन सारी की सारी नेक्स्ट देखो हम ये वाली करेंगे ठीक है फर्स्ट क्या है पुट द वर्ब्स इन टू द करेक्ट फॉर्म विल बी और डू के साथ आई एन जी और विल हैव डन मतलब आई एन जी वाला फॉर्म लगेगा ही डन वाला फॉर्म लगेगा थर्ड फॉर्म ये आपने देखना है उसी अकॉर्डिंग इसे फिल करेंगे फर्स्ट देखो डोंट फोन फोन बिटवीन सेवन एंड एट सेवन एंड एट के बीच में तो फ़ोन बिल्कुल ही ना करना क्यों नहीं करना डैश डिनर देन क्यों क्योंकि देखो फ़ोन नहीं करना और डिनर के साथ है कि ऑफकोर्स है कि मैं उस वक्त डिनर कर रही होंगी तो विल बी हैविंग वी है और हैव है तो ऑफकोर्स कोर्स आई एन जी वाली फॉर्म ही यूज़ करनी है सो वी विल बी हैविंग डिनर ठीक है वी विल बी हैविंग डिनर नेक्स्ट फोन मी आफ्टर एट ओ क्लॉक मुझे फ़ोन करना आठ बजे के बाद आठ बजे के बाद मतलब डिनर बाय दिन तब तक डिनर वी फिनिश हमने डिनर फिनिश कर लिया होगा तो हम ये वाली फॉर्म लगाएंगे हैव वाली जो है वाली फॉर्म तब लगती है जो चीज़ आपने कर ली होगी फ्यूचर में कर ली होगी और आई एन जी वाली लगाएंगे जब आप फ्यूचर में कोई चीज कर रहे होंगे ठीक है तो देखो हम क्या लिखेंगे वी वी

मतलब फोर थर्टी तक है तो फोर ओ क्लॉक के बीच में क्या होगा ऑफकोर्स मतलब आप खेल ही रहे होंगे थ्री से फोर थर्टी तक का टाइम है ना कि जब तक आप खेलेंगे फोर ओ क्लॉक के पे क्या करें टेनिस वी प्ले तो आप लिखेंगे आई एन जी वाला फॉर्म क्योंकि वो चीज़ आप कर रहे होंगे तो आप लिख देंगे विल बी प्लेइंग ठीक है वी और विल बी प्लेइंग नेक्स्ट कैन वी मीट टूमोरो क्या हम कल मिलेंगे यस बट नॉट इन द आफ्टरनून दोपहर को नहीं मिलेंगे आई वर्क क्यों क्योंकि मैं काम पर हूँगा मैं काम कर रहा हूँ तभी तो, तो नहीं मिलेंगे तो आप क्या लिख देंगे फिर आई एन जी वाला फॉर्म सो आई बी आई बी वर्किंग नेक्स्ट क्या है बी बी हैज टू गो टू अ मीटिंग विच बिगेन एट टेन ओ क्लॉक अच्छा मीटिंग कब स्टार्ट होती है दस बजे और बी को मीटिंग में पहुंचना है इट विल लास्ट अबाउट एन आर तो मीटिंग एक घंटा तक चलेगी तो क्या लिखेंगे विल यू बी फ्री एट इलेवन थर्टी क्या आप इलेवन थर्टी को फ्री होंगे क्योंकि मीटिंग तो टेन से स्टार्ट है और वन आर तक चलेगी सो तो टेन टू वन आवर क्या होगा इलेवन ओ क्लॉक तो वो तो पूछ रहे हैं कि इलेवन थर्टी तो ऑफकोर्स इलेवन थर्टी को तो फ्री ही होंगे येस yes, आंसर है येस yes. डैश बाय देन द मीटिंग एंड मीटिंग तब तक एंड हो चुकी होगी मीटिंग मतलब एंड हो चुकी होगी जो चीज हो चुकी होगी तो ये हैव वाली फॉर्म और ये जो हैव वाली फॉर्म है ये यहां पर ये वाली लग जाएगी और राइट तो लिख देंगे द मीटिंग द मीटिंग विल हैव, हैव के बाद एंड का है क्या एंडेड थर्ड फॉर्म लगानी है ना तो एंडेड बाय देन बाय देन का मतलब होता है तब तक ठीक है तब तक हो चुका होगा तो ये चीज़ है आपने इसको ऐसे ये नहीं लेना है कि आपने बस हाँ अपनी बुक सॉल्व करनी है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है या ऐसे आपको यहाँ से अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है ठीक है जो चीज़ सेंटेंसेस की ये जो ब्लैंक के बाहर भी जो वर्ड्स हैं या फिर किसी तरीके से कोई चीज़ कही गई है वो चीज़ भी आपने रिमेम्बर करनी है कि कैसे कैसे बोल सकते हैं ठीक है जैसे देन का यूज़ है अराइव का यूज़ है ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है यहाँ से ठीक है योर है टू लर्न अपने दिमाग को खुला रख कर आओ ओपन माइंडेड होकर आओ ठीक है तभी आप कुछ सीख पाओगे इसके लिए अच्छे से सुनो समझो और जो एग्ज़ाम्पल्स पढ़ते हो ना उनको भी ध्यान से पढ़ो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए राइट नेक्स्ट देखो सिक्स Ben is on holiday and he is spending his money very quickly. Ben क्या है हॉलीडे पे है छुट्टियाँ मना रहा है तो और पैसा तो मज़े से खर्च कर रहा है If he continues like this, अगर वो ऐसा ही करता रहा ऐसे ही खर्चे करता रहा he spend bracket में क्या है he spend all his money before the end of his holidays. मतलब छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले ही सारा पैसा ख़त्म कर देगा वो तो ख़त्म कर देगा जैसे मैंने बोल दिया तो हैव वाला आएगा यहाँ पर ठीक है तो हम क्या लिख देंगे right? ही हो गया डू यू थिंक डैश द सेम जॉब इन years टाइम ठीक है क्या आपको लगता है कि आप आने वाले दस सालों में वही जॉब करते रहेंगे ठीक है करते रहेंगे जैसे मैंने बोल दिया तो वही चीजें यहाँ पर आई एन जी वाला आएगा डू क्या तब तक भी करते रहेंगे तो आप क्या लिखेंगे यू विल बी डूइंग यू स्टिल बी डूंग नेक्स्ट देखो एट एट में क्या है हमारे पास लीजा इज फ्रॉम न्यूजीलैंड लीजा कहाँ से है न्यूजीलैंड से है शी इज ट्रेवलिंग अराउंड यूरोप एट द मोमेंट और अभी कहाँ पर ट्रेवल कर रही है न्यूजीलैंड uh, से वो बिलोंग करती है और अभी वो यूरोप में घूम रही है सो फार शी हैज ट्रैवल्ड अराउंड वन थाउजेंड माइल्स तो अभी तक उसने वन थाउजेंड माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है बाय द एंड ऑफ द ट्रिप ट्रिप के एंड में क्या होगा डैश मोर देन थ्री थाउजेंड माइल्स शी ट्रेवल तो जब तक ट्रिप खत्म होगी तब तक उसने थ्री थाउजेंड माइल्स तक का ट्रेवल कर लिया होगा तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा तो यहां पर फिर से हैव वाला आएगा तो शी ट्रैवल्ड राइट शी विल हैव ट्रैवल्ड नेक्स्ट देखो इफ यू need टू contact मी अगर आपने मुझसे बात करनी हो कॉन्टेक्ट करना हो डैश एट द लाइन होटेल एंटिल फ्राइडे आई स्टे मतलब कि मैं स्टे कर रही हूँ लाइन होटल में फ्राइडे तक तो कर रही हूँ ठीक है मैं कर रही हूँ तो आई एन जी आएगा तो आई बी स्टे ठीक है अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो मैं फ्राइडे तक वहीं पर हूँ इसका मतलब क्या है कि मुझे मिल लेना वहीं यहाँ पर ठीक है ठीक है नेक्स्ट देखो ए डैश लौरा टमोरो यू सी यू सी का मतलब देखा है लॉरा को यस प्रोबेबली वाई मतलब कल टुमरो है ना तो कल देखेंगे ठीक है तो कल यू सी टमोरो क्या कल आपने लॉरा को देख रहे हो ठीक है मिल रहे हो ऐसे कुछ भी है यस प्रोबेबली वाई आई बॉर मतलब ठीक है मैं उसे मिल रहा हूँ कल आ, पर आप क्यों पूछ रहे हो वाई आप क्यों पूछ रहे हो

ठीक है तो ये हो गया दिस वे आर डन द यूनिट नंबर ट्वेंटी फोर एक्सरसाइज कर ली है अनसोल्ड भी और जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो भी प्रोवाइड मैंने आपको पहले ही कर दिया वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो आई हैव सीन देर आर मेनी पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज एंड येट दे हैव नॉट सब्सक्राइब्ड तो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दो आप लाइक नहीं करते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग